गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, नया साल आप सभी को मुबारक हो। तो चलिए आज के अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है, इस समय हमारी जो यूनिट चल रही है वो है यूनिट नंबर 6। इसका नाम क्या है? रिप्रोडक्शन। और आज इस यूनिट का हम लोग लेक्चर नंबर 5 आज लगाने वाले हैं। यस, और जो हमारा चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने जर्नी को। और इसके पहले मैं कुछ प्राइमरी चीजें आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर नए होंगे, किस तरीके से मेरे सारे लेक्चर्स को आप अटेंड कर सकते हैं, यस, कैसे मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले आप क्या करना है, आपको आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, DNCMI आप वहां पर टाइप करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे ऐप यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। यस, दो ऐप जिस पर DNCMI एजुकेशन लिखा हुआ है, नीट IIT JEE, और जस्ट पीछे जिसके ब्लैक बैकग्राउंड है उसी ऐप को आपको डाउनलोड करना है। यस, इसमें लिखा हुआ है DNCMI एजुकेशन कैली मीडिया। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम है या कोई आपकी क्वेरीज है, यस, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है 7237841191। सेकेंड मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। यस, डाउनलोड करिए और अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। इस ऐप का जो वीडियो सेक्शन है वहां पर आपको मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, और इसी ऐप के थ्रू मैं आपके लाइव सेशन को भी बहुत ही अच्छा बनाने वाला हूँ, और लाइव सेशन में के भी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए एक दूसरा माध्यम भी देखते हैं जिस माध्यम से आप हमारे साथ अटैच हो सकते हैं। और दूसरा माध्यम बहुत ही ब्यूटीफुल माध्यम है यूट्यूब का। हमारा यूट्यूब चैनल है DNCMI के नाम से। तो DNCMI आप टाइप करिए और क्लिक कर दीजिए तो हमारा ये देखिए DNCMI एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप मेरे इस फोटो के साथ। सब्सक्राइब करिए चैनल को और लगातार मेरे वीडियो इसी तरह आपको मिलते रहेंगे, और कभी कभी मैं YouTube में लाइव सेशन भी लेने वाला हूं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस ब्यूटीफुल जर्नी को। माय डियर स्टूडेंट, आज जो हम लोगों को स्टडी करना है उसके पहले हम जरा एक रिकैप कर लेते हैं। मैं बार बार बोलता हूं, जिस तरीके से आप स्टार प्लस वगैरह चैनल्स पे जब सीरियल्स देखते हैं तो उसका पहले रिकैप होता है कि इसके पहले सीरियल में आपने क्या देखा है, जिससे हमारी जो कंटिन्यूटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो अगर हम रिकैप की बात करें तो रिकैप हम कर लेते हैं लेक्चर नंबर 4 का, क्योंकि अभी जो लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या स्टडी की हुई है माय डियर स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा है, यस, प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर्स देखा है, NCERT में जो फिगर है उसकी नेमिंग हम लोगों ने देखी है, यस, कुछ मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में बात करी है, बहुत थोड़ी सी, लेकिन आज बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है इसका हम लोग ने स्ट्रक्चर्स देखा है माय डियर स्टूडेंट, यस, और ओवरीज के बारे में हम लोग ने बात करी है, यस, ओवरीज के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में सिर्फ स्टार्टिंग किया था लेकिन बहुत ज्यादा डीप में स्टडी नहीं करी है, जो आज हम लोग करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट ये हमारा रिकैप, और आज के लेक्चर्स में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं। अब इससे मैं आपको अवगत करा देता हूं, हमारा चैप्टर नंबर 3 है, यस, चैप्टर क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज हम लोग बात करने वाले हैं फीमेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। यस, कौन सी फीमेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है उसकी बात हम करेंगे, यूट्रस के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, फेलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं इसकी बात करने वाले हैं, और फाइनली हम आज स्टडी करेंगे मैमरी ग्लैंड के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स की, और कैसे इसको आप याद रख पाएंगे इससे रिलेटेड टर्म्स को, आज उनको भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट कहां से हमें करना है, फीमेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो आप देखिए ये प्रॉपर स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें आप देखिए ये जो है ये स्पेस जो आप खाली देख रहे हैं ये स्पेस क्या है, यूटेराइन कैविटी है, यही वो जगह है जहां पर बेबी का डेवलपमेंट होता है, यस, और ये जो यूट्रस है उसमें मैंने आपको बताया था 3 लेयर होती है, बाहर की लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, बीच की लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम, और अंदर की जो लेयर है एंडोमेट्रियम। इसके बारे में इसके जस्ट पीछे वाले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं,
ये ओवरी है, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये सर्विक्स है, सर्वाइकल कैनाल है एंड वेजाइना है। यस, और आप ये देखिए, ये है फिम्ब्री, यस, ये स्टमस रीजन है ये वाला, यस, ये एम्पुला है और ये इनफंडिबुलम है। इन सबको मिला के हम तीनों को बोलते हैं मिला के फेलोपियन ट्यूब, या हम इसको ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं फेलोपियन ट्यूब को। तो माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को और समझना स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट्स को। सबसे पहले अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट, यस, कि फीमेल एसेसरी डक्ट्स की संख्या क्या है या फीमेल एसेसरी डक्ट कौन कौन सी है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि इसके नंबर होते हैं 3। एनिमल कोई बताया गया तीन कौन कौन सी फीमेल एसेसरी डक्ट है। डक्ट का मतलब क्या होता है? क्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, एक रास्ता होता है। यस, तो अगर हम डक्ट की बात करें तो कौन कौन सी है, यस। सेकेंड हम बात करेंगे कि फेलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर कैसा है, फिर हम बात करेंगे इनफंडिबुलम क्या है, और फाइनली हम देखेंगे कि जो इनफंडिबुलम है लीड्स क्या करता है। तो अगर हम फीमेल एसेसरी डक्ट्स की बात करें कि कौन सी तीनों फीमेल एसेसरी डक्ट है माय डियर स्टूडेंट, तो आप देख लीजिए, सबसे पहला एसेसरी डक्ट होता है फेलोपियन ट्यूब, फर्स्ट नंबर। सेकेंड है हमारा यूट्रस, सेकेंड है हमारा यूट्रस, एंड थर्ड है हमारा वेजाइना। तो इस तरीके से अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सी फीमेल एसेसरी डक्ट्स होती हैं माय डियर स्टूडेंट, तो तीन एसेसरी डक्ट्स होती हैं। पहला होता है हमारा फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट के नाम से जानते हैं, और सेकंड है हमारा यूट्रस, और थर्ड है हमारा वेजाइना। अच्छा, एक बात आपके माइंड में आ रही है कि इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमने इन तीनों को डक्ट बोला है। ओविडक्ट तो चलो नाम से ही डक्ट लिखा हुआ है, यूट्रस में ऐसा क्या है, वेजाइना में ऐसा क्या है कि हम इसको डक्ट बोल रहे हैं। मैंने क्या बोला आपसे, डक्ट का मतलब होता है एक रास्ता जिससे होकर चीजें गुजरती हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इस फेलोपियन ट्यूब की, तो मैंने बताया फेलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। देखिए, ये इसका इनफंडिबुलम है, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है और आगे एक्सटेंड करता है, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को बनाता है, और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, फिब्री। यस, इनफंडिबुलम के जस्ट पीछे देखिए, ये है एम्पुला और ये है इस्थमस। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि फेलोपियन ट्यूब को हमने डक्ट क्यों बोला। तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि आपको पता है कि ओवरी से ओवम रिलीज होता है। यस, तो अगर ओवरी से ओवम रिलीज होता है माय डियर स्टूडेंट, तो ओवरी की जस्ट ऊपर की तरफ ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो कुछ इस तरीके से मूवमेंट्स करते हैं, और जैसे ही ओवम यहां से निकलता है उसको कैप्चर कर लेते हैं, और अंदर इसके अंदर सीलिया होती है। यस, क्वेश्चन आया था, इसमें सीलिया होती है, और सीलिया के द्वारा जो ओवम है इस इनफंडिबुलम से होते हुए एम्पुला रीजन से होते हुए एम्पुरोस्टमम के पास पहुंचता है, और यहां पर क्या होता है, ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, और इसके बाद फर्टिलाइज ओवम यूट्रस की तरफ मूव करता है। तो आप देखिए, क्या ये सारा एक रास्ता नहीं है? यस, रास्ता है, दैट इज वाई इसे डक्ट बोल रहे हैं। और यहां पर जब बेबी का डेवलपमेंट होगा, तो इस डेवलपमेंट के बाद इसी रास्ते से तो आगे बेबी की डिलीवरी होगी। तो दैट इज वाई यहां पर हम यूट्रस को भी डक्ट बोल रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब तो डक्ट है ही, और इसके साथ वेजाइना भी डक्ट क्यों है, क्योंकि इसी वेजाइना के थ्रू आप क्या होगा, यही बर्थ होगी बेबी की। क्लियर है माय स्टूडेंट? तो इस तरीके से अगर कोई आपसे पूछे कि फीमेल एसेसरी डक्ट्स कौन सी होती हैं, तो फीमेल एसेसरी डक्ट तीन होती हैं, एक होता है फेलोपियन ट्यूब, सेकेंड होता है यूट्रस, एंड थर्ड होता है वेजाइना। चलिए, फेलोपियन ट्यूब की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें फेलोपियन ट्यूब की माय स्टूडेंट, ये एग्जैक्ट जो लेंथ है ये आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। एनसीईआरटी कहती है कि जो फेलोपियन ट्यूब है इसकी जो लंबाई है वो मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 12 सेंटीमीटर होती है। यस, कितनी होती है, 10 टू 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, और एक्सटेंड कहां से करती है, पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। आप देखिए, दो ओवरी है, और एक तरीके से जिस तरीके से यहां पर फेलोपियन ट्यूब है, ठीक यहां पर भी फेलोपियन ट्यूब है। आप देखिए, ओवरी के जस्ट पेरीफेरी रीजन से है, ओवरी के जस्ट पेरीफेरी रीजन से है, इस तरह से एक्सटेंड करती है। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि फेलोपियन ट्यूब की लेंथ क्या होती है, तो कितनी है, 10 टू 12 सेंटीमीटर। यस, नेक्स्ट आता है, देखिए
फेलोपियन ट्यूब में ये जो एक रीजन है जिसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम की थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी कहती है द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या एनसीईआरटी कह रही है कि ओवरी के सबसे नजदीक जो स्ट्रक्चर है उसे ही हम इनफंडिबुलम कह रहे हैं, और इनफंडिबुलम का जो एक्सटेंडेड आगे पार्ट है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं इसको? फिम्बरी बोलते हैं। और ये फिम्बरी मैंने बताया जैसे हमारी फिंगर है इस तरीके से, मान लीजिए जैसे सपोज दैट ये ओवरी है, ये फिंगर है, तो इस तरीके से फिम्बरी इस तरीके से मूवमेंट्स है, और जैसी ओक एग इससे निकलेगा उसको कैच कर लेगी और अपने अंदर ले लेगी। ठीक ऐसे ही बैडोसेन यहां पर क्या होता है कि जैसे ही ओवम ओवरी से रिलीज होता है, ये फिंगरी जो फिम्बरी है उसको कैप्चर करती है और अपने अंदर ले लेती है, और यहां पर सीलिया होते हैं जो इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। इनफंडिबुलम से एम्पुला रीजन फिर इस्थमा रीजन में पहुंचता है। क्या एग या ओवम? तो क्या कह रहा है कि फिम्बरी द एज ऑफ द इनफंडिबुलम पजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कार्ड फिम्बरी विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन का मतलब होता है ओवम का ओवरी से बाहर आना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन, और इस ओवम को कैच कौन करेगा? इनफंडिबुलम। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? और नेक्स्ट आता है, आगे आप देखिए इनफंडिबुलम क्या लीड कर रहा है, ए वाइड पार्ट ऑफ द ओविडक्ट जिसको हम बोलते हैं एम्पुला। अगर कोई आपसे पूछे कि फेलोपियन ट्यूब का वाइड जो पार्ट है उसका नाम क्या है, तो यस माय डियर स्टूडेंट उसका नाम है एम्पुला। यस, तो इस रीजन से भी होके ओवम गुजरता है, इसको क्या बोलते हैं वाइडर रीजन को? एम्पुला। जो लास्ट पार्ट है ओविडक्ट का उसको बोलते हैं इस्थमस। याद रखिएगा फेलोपियन ट्यूब का जो लास्ट पार्ट है जो कि एक सकरा पार्ट है, यस नैरो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं इस्थमस। अभी माइंड में क्या होगा कि जनरली अगर आपसे कोई पूछे कि फेलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट क्या है, तो आप निश्चित रूप से किसमें आंसर कर देंगे? फिम्बरी में या इनफंडिबुलम में। जबकि एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि हम ओविडक्ट की शुरुआत ही हम फिम्बरी या इनफंडिबुलम से मान रहे हैं, तो एम्पुला रीजन बीच का हो गया और इस्थमस रीजन सबसे पीछे का हो गया। तो लास्ट रीजन जो ये सकरा वाला आप देख रहे हैं इस्थमस, ये लास्ट पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का या ओविडक्ट का। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? तो यहां पर गलती बिल्कुल आपको नहीं करनी है। जो लास्ट पार्ट है, जो नैरो पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, दैट इज इस्थमस, नॉट अदर। क्लियर है? तो हम लोग ने यहां पर क्या क्या देखा, एक तो तीन एसेसी डक्ट के नाम देखे, फेलोपियन ट्यूब्स की लेंथ हम लोग ने देखा, इनफंडिबुलम क्या है इसकी बात हम लोग ने करी, फिम्बरी क्या है और इनफंडिबुलम किस तरीके से लीड कर रहा है, जस्ट उसके पीछे क्या बन रहा है, एम्पुला बन रहा है, फिर इस्थमस आ रहा है, तो ये सब मिला के क्या हो गया? फेलोपियन ट्यूब। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पार्ट को। यस, अब हम लोग थोड़ी सी और बात कर लेते हैं किसकी माय डियर स्टूडेंट? यूट्रस की। देख रहे हैं यूट्रस? अच्छा, यूट्रस कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे इन्वर्टेड पियर्स हो, लग रहा है कुछ ऐसा इन्वर्टेड पियर्स जैसा? यस। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस यूट्रस को जहां पर बेबी का डेवलपमेंट होता है, माय डियर स्टूडेंट इसको हम वोम्ब के नाम से भी जानते हैं, डब्ल्यू ओ एम बी लिखा हुआ है, वोम्ब के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो शेप है वो ऐसा है जैसे उल्टी नाशपाती रख दी गई हो, इन्वर्टेड पियर रख दिया गया हो। यस, और इसके साथ आप देखिए ये जो यूट्रस है माय डियर स्टूडेंट, अब यूट्रस आप देखिए तो यूट्रस सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। ये यूट्रस ऐसा तो नहीं हवा में लटका हुआ है, तो कुछ लिगामेंट्स पेल्विक वॉल, आप जानते हैं पेल्विक कैविटी, ऊपर है थोरेसिक एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी का जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं पेल्विक कैविटी, तो पेल्विक कैविटी से लिगामेंट्स के द्वारा ये यूट्रस लगा रहता है। यस, इसके साथ ही आप देखिए कि यूट्रस ओपन कहां पर हो रहा है, तो यूट्रस ओपन हो रहा है फाइनली इस पोर्शन में जिसको हम बोलते हैं विजाइना। यस,
तो यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना किसके थ्रू? नैरो सर्विक्स के थ्रू। तो पहले आप देखिए यूट्रस है और ये हमारा बहुत ही नैरो स्ट्रक्चर्स है, नैरो रास्ता है जिसको हम सर्विक्स बोल रहे हैं, और इसके बाद ये वेजाइना में इस तरीके से यूट्रस ओपन होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर स्टेट, एक टर्म आता है बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल में आता है सर्विक्स का ये रास्ता जिसको बोलते हैं सर्विक्स कैनाल एंड वेजाइना, इन दोनों को मिला के हम बोल देते हैं बर्थ कैनाल। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बर्थ कैनाल क्या है, तो सर्वाइकल कैनाल कौन कौन सा? ये सर्विक्स का जो रास्ता है, ये वाला सर्विक्स इधर भी है इधर भी, इसके बीच का जो रास्ता है उसको बोलते हैं सर्विक्स कैनाल। तो सर्विक्स कैनाल और वेजाइना, इन दोनों को हम मिला के क्या बोलते हैं? बर्थ, बी फॉर बर्थ, सी फॉर कैनाल, बर्थ कैनाल बोलते हैं। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, सॉरी सर्विकल कैनाल विच अलॉन्ग विद द वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। तो फाइनली मैंने यहां पर क्या किया है कि बर्थ कैनाल को मैंने यहां पर आपको दिखा दिया है, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजिना इज इक्वल टू बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल में आपको बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंड नहीं होना है माय स्टूडेंट। यस, क्लियर हो गया, ये सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलकर क्या बनाएंगी? बर्थ कैनाल। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यस, जो वाल है यूट्रस की, मैंने आपको बताया था जो वाल है यूट्रस की ये तीन लेयर्ड होती है। कितनी लेयर्ड होती है? थ्री लेयर्ड होती है। यस, चलो जरा लेयर्ड का नाम देख लेते हैं। सबसे बाहर की जो लेयर होती है माइटोकॉन्ड्रियल यूट्रस की, ये लेयर होती है कैसी? थिन मेम्ब्रेनस होती है और इस लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। यस, बीच वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम और जो अंदर की लेयर है माइटोकॉन्ड्रिया इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो अगर हम बात करें तो जो पेरीमेट्रियम है ये एक्सटर्नल है, थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और जो मायोमेट्रियम है वो सबसे मोटी होती है, मिडिल होती है, थिक लेयर होती है, और ये बनी होती है स्मूथ मसल्स की। किसकी होती है माय डियर स्टूडेंट? स्मूथ मसल की। इसका मतलब क्या है कि स्मूथ मसल का फंक्शन आप जानते हैं वो हमारे बस में नहीं होता है। यस, उसका जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करता है क्योंकि स्मूथ मसल्स की बनी है, और यही वो लेयर है जब बेबी की डिलीवरी होती है उस समय इसमें विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है इसी लेयर की वजह से, जिससे बेबी आसानी से इस बर्थ कैनाल को पास करते हुए उसकी डिलीवरी हो जाती है। यस, उसका जन्म हो जाता है। तो फाइनली अगर हम बात करें तो मायोमेट्रियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मिडिल है, थिक लेयर है, और एक तरीके से मजबूती तो दे ही रही है, साथ में जो उसका स्मूथ मसल्स है। यस, आपको पता है स्मूथ मसल का फंक्शन कैसा होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। कौन कंट्रोल करता है इसको? कौन कंट्रोल करता है इसको? हमारा नर्वस सिस्टम। और सबसे लास्ट वाली जो लेयर है, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है माय डियर स्टूडेंट, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो लेयर है हमारी सबसे लास्ट, ये वाली लेयर, इस लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। यही वो लेयर है माय डियर स्टूडेंट जिसको हम इनर ग्लैंडुलर लेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां से यहां पर, सॉरी पेन दीजिए प्लीज, यहां पर क्या होता है बेटा कि जो अंदर वाली लेयर है इस लेयर में ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो यही मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लड वेसल्स टूटती हैं और फाइनली जो ब्लीडिंग होती है, जो डिस्चार्ज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, वो इसी लेयर के डिस्टर्बेंस होने की वजह से होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये चीजें आपको देखने को मिलेगी जिसमें एंडोमेट्रियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस तरीके से हमने देखा माय डियर स्टूडेंट कि यूट्रस की तीन लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर को हमने बोला पेरीमेट्रियम, बीच वाली लेयर को हमने बोला मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली लेयर को हमने बोला एंडोमेट्रियम। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? तो ये तीन लेयर होती हैं जो आपको यूट्रस में देखने को मिलती है और सबका अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहां पर हम लोग ने देख लिया यूट्रस, यूट्रस की वाल की जो थ्री लेयर है उसके बारे में हम लोग ने बात कर ली। चलिए थोड़ी सी जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा इंटरेस्टेड और करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि जो अंदर वाली लेयर है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोल रहे हैं, अंदर वाली लेयर जिसको हम एंडोमेट्रियम बोल रहे हैं, यस, यही इसी में साइक्लिकल चेंज होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। यस, व्हाइल आर द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। मैंने क्या बताया, इसकी जो बीच वाली लेयर है जिसको हमने क्या बोला मायोमेट्रियम,
जब बेबी की डिलीवरी होती है तो इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन होते हैं जिसकी वजह से बेबी की डिलीवरी बहुत आसान हो जाती है। इस तरीके से माइनस फ्रेंड तीन लेयर्स के बारे में हम लोग ने बात कर ली, यूट्रस को क्या बोलते हैं ये भी हम लोग ने बात कर ली, यस नैरो सर्विक्स क्या है इसकी बात कर ली, और फाइनली हमने देखा कि बर्थ कैनाल क्या होता है। तो इस तरीके से माइनस फ्रेंड हम लोगों ने चीजों को यहां पर क्लियर किया, यस। और अब हम बात करेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट, इसको आगे बढ़ाएंगे, यस। तो हम लोग थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाते हैं, यस। आप देखिए इस फिगर से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले देखिए आप, ये है ओवरी। ओवरी में मैंने आपको बताया था इसमें दो रीजन होते हैं, एक तो होता है सेंट्रल रीजन जिसको बोलते हैं ओवेरियन मेडुला, और जो बाहर वाला रीजन है ये सॉरी पेरिफेरी जो रीजन इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और इसी कॉर्टेक्स रीजन में आपको पता है ओवम का डेवलपमेंट होता है। और देखिए इस ओवरी से ये अटैच है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं फिमरी, यस। और ये है हमारा इनफंडिबुलम, और इनफंडिबुलम के बाद आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा जो वाइड स्ट्रक्चर्स है वो क्या है हमारा एम्पुला, और जस्ट ऊपर की ओर देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एम्पुला, और यहां पर आप देखिए जो ये सकरा रीजन हो गया ये हमारा इस्थमस, यस। और ये देखिए यहां पर प्रॉपर क्या ये जो यूट्रस की वाल दिखाई गई है प्रॉपर, यस। ये देखिए एंडोमेट्रियम है, बीच वाली मायोमेट्रियम है, और बाहर वाली हमारी कौन सी है पेरीमेट्रियम है, यस। तो इस तरीके से देखिए ओवेरियन कॉर्टेक्स के बारे में मैंने आपको बताया ये क्या है ओवरी है। तो इस तरीके से प्रॉपर ये स्ट्रक्चर्स आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए ये लिगामेंट्स हैं ओवरी के, जिस लिगामेंट्स के थ्रू ये जो ओवरी है यहां पर इस तरीके से ये हैंग कर रही है, क्लियर है माइंड स्टूडेंट। ये फिमरी है, ये सारे स्ट्रक्चर्स की बात हम लोग ने प्रॉपर कर ली है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को हम लोग और क्लियर करते हैं, यस। अब हम बात करते हैं फाइनली मैमरी ग्लैंड्स की, यस। मैमरी ग्लैंड्स जैसे कि नाम से ही क्लियर है, मैमेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होता है मैमरी ग्लैंड। जितने भी मैमेल्स हैं आप उसका उसमें मैमरी ग्लैंड्स का होना जरूरी है तभी हम उसको मैमेल्स में रखते हैं। चलिए तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं माइटोस्टेंट, और मैमरी ग्लैंड के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। अगर आप देखें माइटोस्टेंट मैमरी ग्लैंड के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को, तो जो एनसीईआरटी ने स्ट्रक्चर्स दिया है कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स यहां पर दिया गया है। आप देखिए यहां पर प्रॉपर ये फैट वाले टिश्यू दिख रहे हैं, फैट है यहां पर, यस। ये मैमरी लोब है, यस दिख रहे हैं आप, ये जो दिख रहे हैं आपको ये मैमरी लोब है, ये मैमरी क्या है एल्वियोलस है। आपको एल्वियोलस से याद आया होगा कि लंग्स में भी आपने एल्विलाई पढ़ा हुआ है, याद है ना आपको, यस yes. और ये है मैमरी डक्ट, आप देख रहे हैं ये मैमरी डक्ट है, यस। मैमरी डक्ट के बाद आप देखिए एक वाइडर रीजन यहां पर बन रहा है जिसको हमने बोला एम्पुला, और ये एम्पुला कई एम्पुला यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं लैक्टिफेरस डक्ट, यस। और ये लैक्टिफेरस डक्ट कहां फाइनली ओपन हो रहा है यहां पर इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं निपल, और ये जो यहां पर रीजन होता है ब्रैकिस इसको बोलते हैं एरियोला रीजन। तो ये वो नेमिंग है जो आपके एनसीईआरटी में दी गई है, और आपको पता है नीट एग्जाम में अब क्या हो रहा है, फिगर दे देते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पार्ट क्या है, ये पर्टिकुलर पार्ट क्या है, ये पर्टिकुलर पार्ट क्या है। तो सबसे पहले आपको पार्ट्स के नाम पता होने चाहिए, यस। ये देखिए रिब्स है, यस, और ये मसल्स बिटवीन रिब्स आप दिख रही है यहां पर, ये रिब्स है, और ये पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है, यस। तो इस तरीके से ये नेमिंग है और प्रॉपर, चलिए थोड़े से स्ट्रक्चर्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले माइटोस्टेट आपको मैं ये क्लियर करना चाहता हूं, जैसे कि आपको पता है कि मैमरी ग्लैंड्स में किसका प्रोडक्शन होता है मिल्क का प्रोडक्शन होता है, किसका प्रोडक्शन होता है माइटोस्टेट मिल्क का प्रोडक्शन होता है। चलिए थोड़ा सा पेन को पतला कर लेते हैं, यस। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि मैमरी ग्लैंड में प्रोडक्शन किसका होता है मिल्क का प्रोडक्शन होता है, यस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्स की, तो ए फंक्शनल मेमरी ग्लैंड दैट कंटेन ए ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू का मतलब क्या है, ऐसा टिश्यू जो ग्लैंड है, और ग्लैंड का नेचर क्या होता है कुछ चीजों को प्रोड्यूस करना और उसको सिक्रेट करना। तो ये कैसे है दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। अगर आप एक फंक्शनल मेमरी ग्लैंड को देखेंगे
तो ये फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि यहां पर आपको जो टिश्यू मिल रहे हैं माइडल स्टेट के सब कैसे हैं, ये ग्लैंडुलर टिश्यू है, अर्थात ये कुछ चीजों का प्रोडक्शन करेंगे और उसको सीक्रेट करेंगे। क्लियर है, ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड आते हैं, सेकेंड पॉइंट में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे माइडल स्टेट, सेकेंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो क्या कह रहा है कि ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रीस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 टू 20 मेमोरी लोब। याद रखिएगा 15 से 20 मेमोरी लोब कहां है, प्रत्येक ब्रीस्ट में है, मतलब प्रत्येक मेमोरी ग्लैंड में आपको जो लोब्स मिलेंगे उसकी संख्या कितनी है, 15 से 20। और इन लोब्स के अंदर क्या है, सेल्स के क्लस्टर्स हैं, सेल्स के गुच्छे हैं जिनको हम बोल रहे हैं एल्विलाई। तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर आपको दिख रहा है ये मेमोरी लोब, दिख रहा है, ये दिख रहा है मेमोरी लोब। इन मेमोरी लोब्स के अंदर क्या बताया मैंने, इन मेमोरी लोब्स के अंदर क्या है, सेल्स के क्लस्टर है जिनको हम बोलते हैं एल्विलाई। तो ये हो गया हमारा मेमोरी लोब, और इसके अंदर क्या मिलेंगे आपको, इसको अंदर मिलेंगे एल्विलाई। यस, और ये मेमोरी लोब्स की संख्या कितनी है बेटा ईच ब्रीस्ट में, मिनिमम 15 और मैक्सिमम 20। और इन मेमोरी लोब्स के अंदर क्या मिल रहा है, यस, इसके अंदर मिल रहे हैं हमें एल्विलाई। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये जो सेल्स हैं एल्विलाई के, यस, यही मिल्क को सिक्रीट करते हैं, अर्थात ये मेमोरी लोब्स के अंदर जो आप यहां पर एल्विलाई देख रहे हैं, यस, यही मिल्क को सिक्रीट करेंगे। जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये एक एल्विलाई है और ये एल्विलाई की क्या है, ट्यूब्यूल है, यस, और यहां पर ये जो एल्विलाई है वो क्या सिक्रीट कर रहा है, मिल्क सिक्रीट कर रहा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि मिल्क को सिक्रीट कौन करता है, तो वो सिक्रीट करेगा कौन, हमारे एल्विलाई सेल। और इसके साथ ही जो इसके बीच में खाली जगह है इसको बोलते हैं एल्विलाई का ल्यूमेन। इस ल्यूमेन में ये जो मिल्क है यहां पर स्टोर हो जाता है, यस, जिसको बोलते हैं एल्विलाई का ल्यूमेन ऑफ एल्विलाई। आफ्टर दैट देखिए फिर इसके बाद क्या होगा, अब एल्विलाई ओपन हो जाते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, एल्विलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल। सपोज दैट मैंने बताया कि जैसे सपोज दैट ये एल्विलाई है, तो जिस ट्यूब्स के द्वारा यहां से मिल्क सिक्रीट कर रहे हैं इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। अब हम मान लेते हैं, यस, नेक्स्ट क्या होगा, ये ट्यूब्यूल्स हैं, प्रत्येक जो हमारे एल्विलाई, जैसे सपोज दैट ये एल्विलाई है, इसका एक ट्यूब्यूल हो गया, दूसरा एल्विलाई ये है, ये एक ट्यूब्यूल हो गया, तीसरा एल्विलाई ये है, वो इसका ट्यूब्यूल हो गया। तो ये ट्यूब्यूल आपस में आगे देखिए आगे एक जगह कॉमन पॉइंट्स में मिलेंगे, यस, और ये जो रास्ता बना रहे हैं इसको हम बोलेंगे मेमोरी डक्ट। तो ये क्या हुआ, एल्विलाई, एल्विलाई का ल्यूमेन हुआ, ल्यूमेन में क्या आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा, और ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, ये है मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं, और यही मेमोरी ट्यूब्यूल्स कई मिलके क्या बना रहे हैं, इस जगह को क्या बोलेंगे, मेमोरी डक्ट। यस, आप देखिए अब क्या होगा, सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म ए वाइडर मेमोरी एम्पुला। अब क्या होगा, जैसे तीन एल्विलाई की ये हो गया आपका मेमोरी डक्ट, तो यहां पर दूसरा एल्विलाई है, ये एल्विलाई है, ये एल्विलाई है, इसका एक कॉमन होगा कौन, मेमोरी डक्ट, और ये मेमोरी डक्ट एक कॉमन होकर ये जो वाइडर पोर्शन बना रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे, एम्पुला। क्या बोलेंगे बेटा इसको, एम्पुला। जैसे यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप देखिए कि ये मेमोरी लोब है, यस, मैंने क्या बताया इन मेमोरी लोब्स के अंदर क्या है, मेमोरी लोब्स के अंदर एल्विलाई है, यस, और एल्विलाई में एल्विलाई क्या सीक्रेट्स कर रहे हैं, मिल्क को, मिल्क कहां पर स्टोर हो रहा है, इसी एल्विलाई के ल्यूमेन में। अब सपोज दैट एल्विलाई ल्यूमेन में जब सीक्रेट हो रहा है तो अब क्या होगा, यहां पर जैसे सपोज दैट ये एल्विलाई है, ये इसका क्या है, ये है एल्विलाई के ट्यूब्यूल्स। अब मान लीजिए ये इसका एल्विलाई है, इसका ट्यूब्यूल्स है, तो ये ट्यूब्यूल्स आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं मेमोरी डक्ट, और ये कई एल्विलाई के मेमोरी डक्ट्स
जब आपस में मिल रहे हैं तो एक जो वाइडर रीजन बन रहा है, इसी रीजन को हम क्या बोल रहे हैं, एम्पुला। देखिए एक एम्पुला ये है, ये एम्पुला, ये एम्पुला, तो कई एम्पुला मिलके क्या बनाएंगे, लैक्टिफेरस डक्ट। यस, तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे यहां पे, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे यहां पे, यहां पर हम देखेंगे कि कई हमारे जो मैमेरी एम्पुला है आपस में कनेक्ट होके ये बना देंगे लैक्टिफेरस डक्ट को, जिसकी जिसके द्वारा मिल्क सक आउट कर लिया जाएगा। अब देखो ये हमारा क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट है, और लैक्टिफेरस डक्ट कई लैक्टिफेरस डक्ट है, और फाइनली ये निपल्स के थ्रू ओपन हो रहे हैं जहां से बेबी मिल्क को सक आउट कर लेगा। तो इस तरीके से माइडियर स्टूडेंट देखिए कि फाइनली आप अगर ओवरऑल इसको देखेंगे तो इसके स्ट्रक्चर्स को आप समझ पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि जो मैमरी ग्लैंड है, जो मैमरी ग्लैंड है वो क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू को कंटेन कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा फैट देखने को आपको मिलेगा। यस, उसमें फैट देखने को आपको मिलेगा। आफ्टर दैट ये ग्लैंडुलर टिश्यू में आपको 15 से 20 मैमरी लोब्स मिल रहे हैं, इन लोब्स के अंदर एल्विलाई है, और यही एल्विलाई मिल्क को सिक्रीट करते हैं, और एल्विलाई के अंदर जो खाली जगह है उसको हम बोल रहे हैं कैविटीज या ल्यूमेन। अब क्या हो रहा है, बहुत सारे सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन करके क्या बनाते हैं, मेमोरी एम्पुला। एक्चुअली इन दोनों के बीच में एक वर्ड और होना चाहिए था, उसको हम बोलेंगे एल्विलाई ट्यूब्यूल्स, और बहुत सारे एल्विलाई ट्यूब्यूल्स ही मिलके क्या बनाते हैं, आपके मेमोरी डक्ट, और ये मेमोरी डक्ट जब आपस में मिलेंगे तो ज्वाइन करके बनाएंगे एम्पुला, और कई एम्पुला ज्वाइन करके क्या बना देंगे, लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट किसके थ्रू ओपन होगा, ये होगा निप्पल के थ्रू, जिससे बेबी मिल्क को सक आउट कर लेगा। तो इस तरीके से माइडियर स्टूडेंट आपने देखा स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से पूरे स्ट्रक्चर्स को प्रॉपर तरीके से यहां पर बताया गया है। क्लियर है, चलिए थोड़ा सा और मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूं माइडियर स्टूडेंट। अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, यस यस, अगर हम मिल्क की बात करें माइडियर स्टूडेंट, तो आपको पता है जब बेबी का बर्थ होता है उस समय मेमरी ग्लैंड से एक येलो कलर का जो मिल्क होता है उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रम बहुत ही न्यूट्रिटी माना जाता है, और आपने देखा होगा टीवी के एड में भी बोला जाता है कि जो फर्स्ट मिल्क होता है बेबी के लिए सबसे ज्यादा न्यूट्रिटी होता है। यस, और इसमें एक एंटीबॉडी होती है IgG जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बेबी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके, चलिए थोड़ा सा और पार्ट हम लोग देखते हैं इसका। अगर हम देखें माइडियर स्टूडेंट, यस, देखिए पूरा वही स्ट्रक्चर है जो अभी हम लोग ने प्रॉपर डिफाइन किया है। अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम क्रम देखें तो सबसे पहले आप देखिए मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड्स में क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू है जिसमें फैट वगैरह भी आपको देखने को मिल रहा है। फिर क्या मिल रहा है, हर आप देखिए ग्लैंडुलर टिश्यू जो है हर एक मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर लगभग 15 से 20 मेमोरी लोब्स हैं। यस, प्रत्येक ब्रीज में, यस, जिसमें क्या है, एल्विलाई है। ये जो एल्विलाई है यही मिल्क को सिक्रीट करते हैं, और अपने अंदर जो ल्यूमेन है वहां पर मिल्क को स्टोर कर लेते हैं। फिर क्या होता है, ये एल्विलाई ओपन होती है कहां पर, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, और बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलके क्या बना देते हैं, मेमोरी डक्ट को। यस, और ये मेमोरी डक्ट, ये मेमोरी डक्ट मेमोरी एम्पुला बनाते हैं। जब कई मेमोरी डक्ट आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मेमोरी एम्पुला, और फाइनली ये मेमोरी एम्पुला मिलके क्या बना देता है, लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट से जो मिल्क है सक आउट कर लिया जाता है बेबी के द्वारा। तो जो प्रॉपर अगर आप क्रम देखेंगे माइडियर स्टूडेंट, तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये सारा क्रम है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बताता हूं किस तरीके से चीजों को हम लोग देखें, हाउ टू लर्न पाथवे ऑफ मिल्क, किस तरीके से पाथवे आप देखें। सबसे पहले क्या था, एल्विलाई का ल्यूमेन था, ल्यूमेन्स में ये ल्यूमेंस आगे मिलके जो एल्विलाई था, जैसे मान लीजिए एल्विलाई है, ये एल्विलाई की ट्यूबुल्स हैं, यस, ये एल्विलाई की ट्यूबुल्स हैं, ये ट्यूबुल्स आगे मिलके क्या बना दे रही हैं, ये आके बना दे रही हैं डक्ट। कई डक्ट मिलके क्या बना दे रही हैं, कई डक्ट मिलके आगे का जो वाइडर पार्ट बना रही है एम्पुला, और फाइनली कई एम्पुला मिलके क्या बना रहे हैं, लैक्टिफेरस। तो ये प्रॉपर पाथवे है जिस पाथवे से मिल्क कहां तक पहुंचता है, लैक्टिफेरस डक्ट से फाइनली सक आउट कर लिया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, यस, इसका सही पाथवे आप कैसे याद रखेंगे, यस, क्या लिखा है, अगर आपने गलती की तो आप लुट जाएंगे और जेल के अंदर डाल दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या है,
यहां पर एलयू का मतलब होता है ल्यूमन, किसका ल्यूमन, एल्विलाई का ल्यूमन। ये टी वर्ड डिनोट कर रहा है ट्यूबुल्स को, और डाल दिए जाओगे का मतलब क्या है, डी फॉर डक्ट, ए फॉर एम्पुला और एल फॉर लैक्टिफेरस। तो ये जो मैंने आपको ये निमोनिक्स जो दिया है, इससे आप हमेशा इस प्रॉपर मिल्क के पाथवे को याद रख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। यस, कौन सी चीज पहले होगी, कौन सी चीज उसके बाद में होगी। तो फाइनल माय डियर स्टूडेंट, हम लोग ने यहां पर देखा कि किस तरीके से ये मेमोरी एक्ट का प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, इन सबको हम लोग ने समझा। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, वी विल मीट अगेन इन जस्ट लेक्चर, इन नेक्स्ट लेक्चर समथिंग न्यू। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, बाय।